करेंगे। इंडियन बैंक ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में बैंक की आय में बढ़ोतरी हुई है, जबकि नेट प्रॉफिट भी 164% तक बढ़ा है। नतीजों के बाद अब बैंक के MD एंड CEO शांतिलाल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ET9 स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सर, आपके नतीजे देख रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि जो एसेट क्वालिटी के जो फिगर्स हैं वो थोड़े से मिक्स्ड हैं। हालांकि वहाँ पर किसी कोई निराशा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में आपके बहुत ही एक अच्छी ग्रोथ है। ये बताइए कि आप अपने नतीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं और आगे के लिए आप उम्मीदें क्या आप कर रहे हैं? इस क्वार्टर के नतीजे आप देखेंगे तो बैंक का सीक्वेंशियली नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है पिछले क्वार्टर से। इस साल इस क्वार्टर में हमारा अदर इनकम बढ़ा है, अदर इनकम में हमारा फी बेस्ड इनकम बढ़ा है, हमारा ट्रांजेक्शन्स का इनकम बढ़ा है, हमारा LC बैंक गारंटी का इनकम बढ़ा है, हमारा रिकवरी इन राइट ऑफ का बढ़ा है। सो मतलब हमारा इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, हमारा अदर इनकम बढ़ा है, इसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और नेट प्रॉफिट हमारा 164% बढ़ा है। दूसरी बात देखेंगे तो आप हमारा जो क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो रिटेल, एग्री, MSME तीनों में बढ़ा है और हमारा जो रेम का जो ग्रोथ है 13% बढ़ा है। बट हमारा थोड़ा सा घटा है इसमें कॉर्पोरेट में, बिकॉज कॉर्पोरेट अपने आप को लीवरेज कर रहे हैं। सो हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 5% है और हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 10% के आसपास है। हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हुआ है, इसकी वजह से हमारा मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 2.6 से 2.89 हुआ है। असेट क्वालिटी हमारी बेटर हुई है। सो अगर हम असेट क्वालिटी को देखें तो जो हमारा जो रेशियोज था वो ग्रोस NPA का 9.69% था जो पहले था, 9.69% से 9.56% आया है और नेट NPA हमारा 3.47 से 3.26% आया। तो हमारा ग्रॉस NPA भी घटा है, हमारा नेट NPA भी घटा है, हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो जो 82% था वो 83% प्लस हो गया है। हमारा जो अगर आप देखेंगे तो जो स्लिपेज है वो 3,952 करोड़ का है, उसमें एक NBFC का अकाउंट अगर निकालते हैं जिसका एक्सपोजर 1,820 करोड़ के आसपास है तो हमारा बेसिकली 2,000 करोड़ के आसपास का स्लिपेज है जो कि हमारा 0.5% ऑफ एडवांस के आसपास है। बट हमारी रिकवरी अगर देखेंगे तो 3,400, तो रिकवरी और स्लिपेज मोटा मोटा बराबर है बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, हमारा इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर आप हमारा SMA 1 देखेंगे और SMA 2 देखेंगे दोनों ही घटे हैं, SMA 1 भी घटा है, SMA 2 भी घटा है। हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हुई है, कम्युनिटी भी मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हुई है, तो आपकी एसेट क्वालिटी बेटर हुई है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, आपका NPA घटा है, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी जो 15.92 था वो 15.89 है। वो इसलिए है कि हमने Tier 2 Bond 600 करोड़ रुपए के कॉल अप ऑप्शन एक्सरसाइज करके उसको पे कर दिया क्योंकि वो ज्यादा रेट का था, अदरवाइज हमारा Tier 1 और CET कैपिटल दोनों 12-12% से बड़े हैं। सो हमारा कैपिटल एडिक्वेट है, हमारा Tier 1 बड़ा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, हमारा एडवांसेस बढ़ा है। जैन साहब, एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, हमने देखा है कि रिटेल की डिमांड लौट रही है और जो रूरल रिकवरी है वो भी काफ़ी क्रूशियल प्ले कर रही है। सेगमेंट के हिसाब से क्या आप उनमें रेवेन्यू का थोड़ा ब्रेकअप देंगे हम आपको? वो सेगमेंट का रिजल्ट हम लोग देते हैं, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज के साइट पर भी हमने दिया है, बट आप लमसम देखिए हमारा सीक्वेंशियल बेसिस पर, क्योंकि पिछले साल क्या था, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस था, NPA क्लासिफिकेशन नहीं होते थे तो अल्टीमेटली जो भी आपका NPA था उसका इंटरेस्ट रिवर्सल नहीं हुआ, लास्ट में जाके 31 मार्च को हुआ। अब हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो अगर सीक्वेंशियली देखा जाए तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम जो हमारा डिफरेंस है यील्ड और एडवांस और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का, वो अगर आपका थोड़ा सा भी इम्प्रूव होता है तो आपका बेटर। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों के साथ साथ थोड़ा सा आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। तो इंडियन बैंक एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, मुनाफे के फ्रंट पर अच्छा ग्रोथ है, NII को लेकर थोड़ी सी कमजोरी है, करीब 1 से 1.25% के बीच में NII में कमी आई है।